Hello everyone, I welcome you all my YouTube class and today we are going to discuss mapping my neighborhood. Okay, so let's begin. What are we going to cover in this chapter? Direction and subdirections. हम पढ़ेंगे दिशाएं क्या होती हैं और उपदिशाएं क्या होती हैं, maps और sketches क्या होते हैं, scale क्या होता है and legend of a map. ठीक है, and she is saying something. Rahul. First of all, he is saying, Radha, earlier we used to find direction of new places by noting the famous landmarks and by asking the way from the people. पहले हम क्या करते थे कि लोगों से हम पूछते थे कि हम इस जगह पर कैसे पहुंचेंगे, या फिर हमें लैंडमार्क हम याद रखते थे कि अच्छा चौक में ना घंटा घर है, ठीक है, तो जब हम घंटा घर पहुंचेंगे तो वहां चौक है, बाकी पूछ लेंगे कि इनका घर कहाँ है. ठीक है, राहुल, Now we can find all the addresses very easily. अब वो राहुल से कह रही कि अब तो हम बहुत आसानी से addresses को पा सकते हैं by using Google Maps. Google Maps का इस्तेमाल करके they navigate us very nicely to our destination. वो हमारे गंतव्य को बहुत अच्छे से navigate करते हैं. ठीक है, In olden times, houses did not have a separate address or numbers. प्राचीन समय में लोगों के घर के सेपरेट एड्रेस या नंबर्स नहीं हुआ करते थे. पीपल यूज टू रीच देयर डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग द लैंडमार्क्स. वो लैंडमार्क्स को फॉलो करके वहाँ पर पहुँचते थे एंड बाय आस्किंग डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल ऑन द वे. और उस रास्ते से जा रहे लोगों से पूछते थे कि भैया ये कहाँ पड़ेगा और फिर वो जाते थे. नाउ वी ट्राई टू नो द कम्प्लीट एड्रेस. अब हम क्या करते हैं, हम कम्प्लीट एड्रेस को जानने की कोशिश करते हैं. जैसे कि पहले आपका हाउस नंबर क्या है, आपकी गली का नाम क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट लैंडमार्क क्या है, डिस्टेंस क्या है फ्रॉम आवर हाउस, ठीक है, हमारे घर की दूरी क्या है उस स्थान से जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं. डायरेक्शंस बिगिन द मोमेंट वी आर आउट ऑफ आवर हाउस. ठीक है, दिशाएं वहाँ से शुरू होती है जब हम अपने घर से बाहर होते हैं एंड एंड विद आवर अराइवल एट द डेस्टिन्ड प्लेस. ठीक है, जो हमारा गंतव्य होता है जहाँ हमें पहुँचना होता है, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन ख़त्म हो जाता है. लैंडमार्क्स आर द फेमस बिल्डिंग्स. लैंडमार्क्स क्या होते हैं, फेमस बिल्डिंग्स होती हैं और अदर स्पेशल रेफरेंस या फिर कुछ स्पेशल रेफरेंस पॉइंट होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं उस जगह को तक आसानी से पहुँचने के लिए. वो एक स्कूल भी हो सकता है, जो लैंडमार्क हमें बताया जाता है वो लैंडमार्क एक स्कूल भी हो सकता है, एक कॉलेज भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, टेंपल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, पार्क हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है. विच आर इजली रिकॉग्नाइजेबल इन अ लोकेलिटी, जिसकी वजह से उस लोकेलिटी में आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं. We can also use words of directions like the front, back, behind, near, straight, right and left hand side to point out the direction to reach our destination. अपने destinations पर पहुँचने के लिए हम कुछ दिशा से संबंधित शब्द जैसे कि front का मतलब आगे, back का मतलब पीछे, behind का मतलब behind का मतलब होता है कि पीछे, ठीक है, इसके बाद नियर का मतलब पास, स्ट्रेट का मतलब सीधा, राइट का मतलब दाएं, लेफ्ट का मतलब बाएं. नेम टू लैंडमार्क्स ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल. तो चिल्ड्रन, आपको दो लैंडमार्क्स बताने हैं. आप सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आप अपने घर से अपने स्कूल तक आने के लिए जो भी लैंडमार्क पढ़ते हैं जिनकी वजह से आप मतलब याद रखते हो कि अच्छा बीच में कनौसा स्कूल पड़ेगा फिर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल आऊँगा, तो मतलब जो कुछ भी आपका लैंडमार्क है वो आपको बताना है, यहाँ पे लिखना है. लर्न द वे टू डिस्क्राइब योर एड्रेस टू अ पर्सन कमिंग टू योर होम फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, अब आपको वे लिखना है यहाँ पर अपने एड्रेस का जो आप किसी को डिस्क्राइब करेंगे कि आप स्ट्रेट आइए, देन राइट टर्न लीजिए, देन लेफ्ट टर्न लीजिए आपके घर तक पहुँचने के लिए, तो वो आपको इस स्पेस में लिखना है. ठीक है, नाउ डायरेक्शंस. If we stand facing towards the rising sun, ये जो sun जो है ना जिस तरफ ये उगता है, east is in front of us, तो हमारे सामने कौन सा direction होता है, ये e for east यानी कि पूरब होता है, और हमारे जो पीछे का direction होता है वो west होता है. ठीक है, if we stretch both arms, तो यहाँ पर south direction होता है और यहाँ पर north direction होता है. With the help of these four directions, main compass direction we can find the four sub directions. ठीक है,
अब आपने सन की तरफ मुंह किया और जब आपने सन को फेस किया तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अब इसमें जो है ये कौन सा नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, इसी तरह इसको NW मतलब नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जब हम मैप्स को ड्रॉ करते हैं इस कला को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। द पीपल हु ड्रॉ मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, और जो मैप को ड्रॉ करते हैं उन लोगों को हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं। गैरेट्स मार्केटर वॉज द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सर्फेस। गेरार्डस मर्केटर जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने ड्रॉ किया था मैप अर्थ के मैप को एक फ्लैट सर्फेस पे। मैप्स एंड स्केचेस, स्केच इज द रफ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉलर एरिया। अब स्केच क्या होता है, एक रफ ड्रॉइंग होती है किसी भी स्मॉलर एरिया की, जैसे कि हमारे पड़ोस में। दे शो द मेन लैंडमार्क्स, वो क्या करते हैं मेन लैंडमार्क्स को दिखाते हैं, बट डज नॉट शो द एग्जैक्ट मेजरमेंट, लेकिन वो एग्जैक्ट मेजरमेंट को नहीं दिखाते। इट ओनली गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कोई भी जो प्लेस है उसका एक रफ आइडिया देते हैं, ठीक है। ये स्केचिंग का काम होता है कि स्केचिंग में आपको एक रफ आइडिया किसी भी प्लेस का एक आपके माइंड में प्रिपेयर हो जाता है। अ मैप ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ मैप क्या करता है, आपको डिटेल ड्राइंग देता है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। अ मैप में बी स्मॉल नेबरहुड, अ मैप में क्या हो सकता है, आपका एक स्मॉल नेबरहुड हो सकता है, एक शहर हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक कंट्री या फिर आपका पूरा का पूरा संसार भी एक मैप में आ सकता है, ठीक है। नाउ अ मैप यूजेस मेजरमेंट्स टू इंडिकेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। टाइप्स ऑफ मैसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड पॉलिटिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या होता है, जो आपको फिजिकल फीचर्स दिखाता है, जैसे कि लैंडफॉर्म, रिवर, माउंटेन, रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉयल, पॉपुलेशन, इसके बारे में बताता है, तो इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं, या फिर हम इसको रिलीफ मैप या फिर इसको हम थीमेटिक मैप भी कहते हैं। पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जो किसी भी शहर को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, कंट्री को दिखाता है, इसकी बाउंड्रीज को दिखाता है, इसके कैपिटल्स को दिखाता है, सिटीज को और दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को दिखाता है। नेक्स्ट, रीडिंग अ मैप। अब किसी मैप को हम पढ़ते कैसे हैं, एज मैप कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स, एक मैप में बहुत सारे डिटेलिंग होते हैं। इट्स नॉट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड देम एक्यूरेटली, और उनको एक्यूरेटली पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता। दे हैव सेवरल एलिमेंट्स विच हेल्प अस टू रीड मैप्स इन डिटेल्स। अब कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें मैप को डिटेल में रीड करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, टाइटल ऑफ द मैप इज अबाउट वॉट इट शोज, ठीक है। तो टाइटल हमें बताता है कि ये क्या दर्शा रहा है मैप में। डायरेक्शन जो होते हैं वो मैप में प्लेसेस को बताते हैं। द टॉप साइड ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ, जो टॉप साइड होता है मैप का ये हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उत्तर दिशा को। एंड बॉटम, और जो बॉटम होता है वो साउथ को, मतलब ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है, जो लेफ्ट होता है और जो राइट होता है। अब सपोज ये आपका लेफ्ट साइड है तो ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये साउथ को करेगा, ठीक है, इट्स ईस्ट, ठीक है। की और लीजेंड, अब की क्या होता है, अ की और लीजेंड कंटेन्स डिफरेंट कलर्स और सिंबल्स। इसमें इस तरह के डिफरेंट कलर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो डिटेल को इंडिकेट करने के लिए बताए जाते हैं। जैसे हमें वाटर बॉडी दिखाना है तो हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, हमें जंगल दिखाना है तो हम ग्रीन दिखाएंगे, माउंटेन दिखाना है तो ब्राउन दिखाएंगे, डेजर्ट दिखाना है तो ये एक लाइटिश ब्राउन दिखाएंगे, अगर हमें प्लेन्स दिखाना है तो हम येलो दिखाएंगे, प्लेट्यू है तो वो कुछ रेडिश कलर में दिखाएंगे। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू डिनोट वेरियस प्लेस ऑन मैप। अब ये डिफरेंट सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंबल जो है किसी कंट्री के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये टूरिस्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिवर को, ये कैनल को, ये अदर टाउन्स को, ये लेक और पॉन्ड को, ये माउंटेन पीक को, ये डेजर्ट को, ये वाटरफॉल, रोड विद ब्रिज, ठीक है, और ये रेलवे को।
scale of a map. Since a map is much smaller than the area shown by it, map जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिस एरिया को वो दर्शाता है। अब जैसे मैप में आप पूरा विश्व देख सकते हैं, पर क्या आप पूरे विश्व को जितनी आसानी से मैप में देख सकते हैं उतना उसको देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है वो एक बहुत ही स्मॉलर आइडिया होता है उस एरिया का। सो अ स्केल इज़ यूज टू ड्रॉ अ मैप। अब किसी भी मैप से हम क्या कर मैप को ड्रॉ करने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। अ स्केल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। ठीक है, स्केल जो होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट रिलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप टू एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को ये शो करता है। जैसे कि अगर आपको दिल्ली और अमृतसर को ये 400 किलोमीटर की दूरी है तो आपको मैप में क्या दिखाया जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर हुआ, तो 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 4 × 100, मतलब कि 400 किलोमीटर। तो ऐसे ही वो इस डिस्टेंस को शो करते हैं। वेयर इज़ द स्केल गिवन ऑन अ मैप? स्केल गिवन ऑन अ मैप, स्केल इज गिवन बॉटम ऑफ अ मैप। ओके, सो बॉटम BOTTOM bottom on a map. Next question is, why are standard symbol used in maps all over the world? So the simple answer is so that it won't create confusion, right? So that it won't create confusion. CONFUSION. Okay. Now we have mobile application that show real time mapping and direction to locate a place. अब जो mobile application होती है उसमें आपको real time मैपिंग और डायरेक्शन को लोकेट करता है। वी ऑल्सो यूज़ GPS. GPS का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टू नेविगेट टू अननोन डेस्टिनेशन, जिसकी वजह से जो अननोन डेस्टिनेशंस होते हैं उनको आप नेविगेट कर सकते हो। अब ग्रैनी क्या कहती हैं? ऑलवेज बी अलर्ट वाइल गोइंग टू अ न्यू प्लेस। जब आप नई जगह पे जाइए तो अलर्ट रहिए। डोंट लेट पीपल मिसगाइड यू। पीपल आपको मिसगाइड ना करें। ठीक है, मैच द कॉलम्स। ठीक है, वेट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीजेंड, स्केल, ब्लू, ब्राउन। सो लीजेंड मतलब होता है मीनिंग ऑफ, लीजेंड मीन्स हो जाता है आपका डिस। सो फर्स्ट का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ सिंबल्स। दूसरा स्केल, स्केल का क्या मतलब होता है बच्चों? स्केल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर होता है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो आपका स्केल का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है ब्राउन का, बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्लू, ब्लू जो है वो आपका वाटर बॉडीज है, तो इसका आपका ए सही हो जाएगा। स्केच में आपका ई सही हो जाएगा। द बिल्डिंग और नेचुरल फीचर्स सर्व एज रेफरेंस पॉइंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंडमार्क कहते हैं। द सेक्शन ऑफ द मैप दैट एक्सप्लेन्स कलर्स एंड सिंबल, इसको हम लीजेंड कहते हैं। एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ एन आर्क ऑन एंड फ्लैट सर्फेस इज नोन एज मैप। अ सब डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, कोई भी सब डायरेक्शन आप लिख सकते हो, ईस्ट वेस्ट लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। इट टेल्स वॉट द मैप इज अबाउट, दैट इज टाइटल। Answer the following question. So answer number 1 is given here. Landmarks are the famous buildings or any other special reference point that help us to locate a place easily. Some landmarks of a locality can be a school, college, market, temple, etc. A map is a more detailed drawing of a particular area on a flat surface. It represents the exact location of a place. There are two main types of maps, a physical map and political map. A key or a legend contains different colors or symbols which are used to indicate details of areas. Global positioning system, जिसे हम GPS कहते हैं, is a satellite-based navigation system
that gives exact location of an unknown destination. It makes uses of satellites in space as reference points for detecting locations on Earth. A map is detailed drawing of a particular area on a flat surface, while sketch is the rough drawing of a smaller area. Map represents the exact location of a place, while sketch gives the rough idea of the location of a place. सो वॉट इज हॉट्स हॉट्स क्वेश्चन बेटा आपको बुक में मिल जाएगा आंसर इज गिवन हियर येस डिजिटल मैप्स एंड GPS जिसको हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं ठीक है ट्रैकिंग सिस्टम हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस बेटर एंड फास्टर बिकॉज दे मेक यूज ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस एज रेफरेंस पॉइंट्स फॉर Detecting locations on earth. So you have to add here detecting locations on earth, right? So Funpedia, look at the given political map and locate the following sentence, following cities. तो आपको क्या करना है एक पोलिटिकल मैप लेना है और इन सिटीज़ को आपको देखना है कि श्रीनगर किस डायरेक्शन में है ईटानगर किस डायरेक्शन में है और पोरबंदर इसके बाद त्रिवंतपुरम भोपाल तो चिल्ड्रन ये आपको खुद से करना है दिस इज़ योर यू नो वर्क यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन पोलिटिकल मैप इन विच डायरेक्शंस दीज सिटीज़ आर प्लेस्ड ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय